नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल या फिर बिल्डिंग रॉ मटेरियल बिजनेस के बारे में, और जानेंगे कि आप कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस के लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी जगह होनी चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों, साथ ये भी जानेंगे कि यदि आप बिल्डिंग रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर आपको सस्ते रेट पर बिल्डिंग रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी कमाई हो सकती है, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बिल्डिंग रॉ मटेरियल बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल या फिर बिल्डिंग रॉ मटेरियल बिजनेस की बात करें तो आज यह बिजनेस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस में से एक है, क्योंकि दोस्तों इंडिया एक विकासशील देश है और यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे बिल्डिंगे बन रही है, घर बन रहे हैं और पुल बन रहे हैं, ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसलिए दोस्तों, आज इंडिया के अंदर बिल्डिंग रॉ मटेरियल की इतनी ज्यादा डिमांड है कि बहुत से लोग बिल्डिंग रॉ मटेरियल के बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमा रहे हैं। और दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे घरों की डिमांड बढ़ेगी और बिल्डिंगों की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है तो वह कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, आप बिल्डिंग रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप बिल्डिंग रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास अच्छी खासी जगह होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों, आपके पास एक या दो व्हीकल होने चाहिए और कम से कम 3 से 5 वर्कर होने चाहिए, जिसके अंदर ड्राइवर भी होगा, क्लीनर भी होगा, और आपके पास अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर GST नंबर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों, आप अपना बिल्डिंग रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों आपके पास खुद की ज़मीन है और आप खुद की ज़मीन के अंदर यह बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप कोई ज़मीन किराए पर ले रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो आपको इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों आप कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल के साथ सेटरिंग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप केवल कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जैसे बजरी, क्रेशर, रेती, ईंट या फिर दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपके पास खुद की ज़मीन है और आप उसके अंदर एक ऑफिस बनाते हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप व्हीकल खरीदते हैं और वर्कर हायर करते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों आपके पास 5 से 10 लाख रुपये है तो आप कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले बताया, यदि आप कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल के साथ सेटरिंग स्टोर या फिर सीमेंट की एजेंसी लेते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और आप बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करके अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, आप बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपके पास कितनी जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 100 से 150 स्क्वेयर फीट के अंदर एक ऑफिस होना चाहिए, जहाँ पर आपके कस्टमर बैठेंगे और आप कस्टमर को हैंडल करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको कम से कम 1000 से 1200 स्क्वेयर फीट ज़मीन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जहाँ पर आप मटेरियल रखेंगे, यानी बजरी, क्रेशर, रेती या फिर दूसरे प्रोडक्ट रखेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर दोस्तों आपके पास लगभग 1000 से 1500 स्क्वेयर फीट ज़मीन है तो आप आराम से कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या फिर आपको इसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर और GST नंबर होना चाहिए, और GST नंबर बनवाने के लिए दोस्तों आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने ID प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए, और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए,
और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपना जीएसटी नंबर बनवा सकते हैं और कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों आपको बता दें, बहुत से प्रकार का कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल होता है, जैसे रेती, बजरी, क्रेशर, रोड़ी या फिर सीमेंट, सरिया, ऐसे बहुत से प्रकार का कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल होता है। और दोस्तों आपको सभी प्रकार का कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल अलग अलग जगह से खरीदना पड़ेगा। जैसे यदि आप रोड़ी, बजरी, क्रेशर ये खरीदना चाहते हैं तो आप अपने पास की किसी भी पहाड़ों की खदान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चक्कियाँ चलती हैं और क्रेशर बजरी का प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों आपको वहाँ से बहुत ही सस्ते रेट पर क्रेशर भी मिल जाएगा, बजरी मिल जाएगी और रोड़ी भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आप सीमेंट खरीदना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी सी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं। आज इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनी है, जैसे अल्ट्राट्रैक, ACC या फिर बिनानी सीमेंट, ऐसे बहुत सी प्रकार की सीमेंट है। आप किसी भी कंपनी की एजेंसी ले सकते हैं और अपनी शॉप के लिए सीमेंट खरीद सकते हैं। और दोस्तों आप सरिया खरीदना चाहते हैं या फिर दूसरे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप अलग अलग मार्केट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपको सभी प्रकार का कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल अलग अलग जगह से मिलेगा। दोस्तों आप अपनी लोकेशन कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम वहाँ की पहाड़ों की खदान के बारे में बता देंगे आपको और वहाँ की आपको सीमेंट एजेंसी के बारे में बता देंगे। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी शॉप के लिए सभी रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितने परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है? तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सभी प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। जैसे दोस्तों आप क्रेशर, बजरी, रोड़ी ये खरीदते हैं तो इसके अंदर आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, यानी आप पर स्क्वायर फीट या फिर टन के हिसाब से आप बेचेंगे और उसी हिसाब से आपको 5 या 10 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हिसाब से या फिर प्रति टन के हिसाब से 100 से 300 रुपये या 500 रुपये के बीच प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और दोस्तों यदि सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के अंदर दोस्तों आपको प्रति बैग के हिसाब से लगभग 20 से 30 रुपए प्रति बैग के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन आराम से मिलेगा। और यदि सरिया या दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो इनके अंदर किलो के हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। ऐसे दोस्तों सभी प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल के थ्रू यह जानना चाहते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो आपको प्रति महीना कितनी कमाई होगी, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर आपको सभी प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताया है और इसके अंदर प्रति महीना कमाई कितनी होगी उसके बारे में अच्छे एग्जांपल से बताया है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया, तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।